कुल 102 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसमें उत्तराखंड की 500 सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। उत्तराखंड की जो गढ़वाल सीट है, वहां बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी अपनी पार्टी और अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। उन्हीं से खास बातचीत हमारी सहयोगी दीपा बाफला ने की है। हमारे साथ है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी जी। अपना वोट वो कास्ट कर चुके हैं और उसके बाद वो पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, कितने सालों के बाद ये खा रहे हैं या फिर? नहीं नहीं, देखिए मैं बहुत नियमित रूप से, जो हमारे मंडुआ बोलते हैं, आप लोग रागी बोलते हैं, ये मिलेट्स है और इसको मैं तो रोज मेरे खाने का हिस्सा है, इसलिए आप लोगों के लिए ये हो सकता नया, मेरे लिए बिल्कुल पुराना। और ये बहुत ही फाइबरस है, शरीर के लिए भी अच्छा है और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी इससे बेहतर हो रही है। सर, ये क्या क्या है, क्योंकि हमारे जो दिल्ली वाले दर्शक हैं यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं, ये किसकी चटनी है? ये मिर्च है, इसमें पुदीना है, नमक है और इसमें ये रागी है, मंडुए की रोटी, आलू की सब्जी है। सर, ये बताइए कि यहाँ पर इन व्यंजनों का स्वाद जनता किसको चखाने जा रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है। बहुत जो लोग प्रचार में अंदर तक गए, उन्होंने देखा कि बहुत स्पष्ट उनको दिखा है कि पुनः से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोगों का मन था। और ये चुनाव मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का था और लोगों में ये भाव पूरा था। और मैंने पूरे प्रचार के दौरान ये लोगों के अंदर ये देखा उत्साह कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, वो मेरे जीवन काल का ये बड़ा चुनाव था जब 10 साल के बाद इतना ज्यादा उत्साह लोगों में दिखा गया। सर, विपक्ष के बारे में क्या ख्याल है? उनसे जब भी हम लोग बात कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान भी, तो एक बात को लेकर उन्होंने आप पर हमला किया, वो ये कि पैराशूट कैंडिडेट है अनिल बलूनी साहब और मैं तो यहाँ लोगों के बीच में रहता हूँ। देखिए, अब तो मतदान हो रहा है और मतदान के बाद पता लग जाएगा कि क्या है। मतदान के बाद जब मतगणना होगी आपको सारे मुद्दे समझ आ जाएंगे। मुद्दा केवल ये है कि प्रधानमंत्री कौन बने देश का, उसके लिए। और मैं इन सवालों को भी जवाब दे सकता हूँ कि कौन बम्बई का रहने वाला है, लेकिन मैं इस तूतू में से हमारे पहाड़ के लोगों को कुछ मिलना नहीं है। ऐसे ही चीज़ करनी है जिससे हमारे लोगों का कल्याण हो। ये तूतू में और गाली गलौज से क्या मिलेगा हमारे लोगों को, और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इन चीज़ों को और 4 तारीख को परिणाम भी आप देख लीजिएगा। सर, प्रचार के दौरान आप लोगों के बीच में जाते थे, तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आई, और अब चूंकि यहाँ के लोग अगर आपसे मिल रहे हैं तो उनसे आप क्या कह रहे हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, उत्तराखंड में हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए सबसे पहला काम करना है, उसके बाद यहाँ की जो आर्थिकी है उसको तीर्थाटन के साथ जोड़ना है, पर्यटन के साथ जोड़ना है, और यहाँ पर जो जितनी मूलभूत सुविधाएं वो सब कुछ देनी है। हमारे एट होम का जो होम स्टे का काम बहुत अच्छा लोगों ने शुरुआत की है, ये क्रांति कर रहा है होम स्टे की हमारी जो योजना है। हर आदमी एक छोटा सा अपने घर में होम स्टे शुरू कर रहा है और उससे उसका जीविका उपार्जन भी हो रहा है और टूरिस्ट भी आ रहा है और यहाँ का विकास भी हो रहा है। पांचों सीटों पर क्या होने जा रहा है, आखिरी सवाल? पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक मार्जिन से जीतने वाली है। चुनाव की थकान मिटाते हुए आराम से बैठकर नाश्ता करते हुए अनिल बलूनी से ये खास बातचीत दीपा की आप देख रहे थे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।